सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आयुर्वेदिक हर्ब को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आपको आयुर्वेदिक टिप्स सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसका आयुर्वेद के तहत कैसे ठीक करें। तो जब हमारे शरीर में दिल को नसों के द्वारा खून भेजने में ज़्यादा तनाव पड़े या दबाव बढ़े तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी बन चुकी है कि एक बार किसी भी इंसान को हो जाए तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसे बचा या रोका जरूर जा सकता है और होने पर इसे कंट्रोल भी किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे शरीर की धड़कन तेज हो जाए। उसके लिए खाने पीने की गलत आदत को सुधारना पड़ता है। मानसिक तनाव, अच्छी नींद न ले पाना इसका मुख्य कारण है। तो आइए हम बताते हैं कि इसका इलाज हम घर में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों से आसानी से कर सकते हैं। हमारे किचन में पाए जाने वाले दालचीनी की हम बात करते हैं। दालचीनी को बारीक पीस लें और इसको आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच रोजाना सुबह गर्म पानी के साथ पिए। यह ब्लड प्रेशर को कम करता है। दूसरा उपाय है लौकी का रस। लौकी का रस सुबह खाली पेट पिएं और इसके एक घंटे तक कुछ भी न खाएं। लौकी का रस हाई ब्लड प्रेशर कम करने के साथ साथ शुगर को भी कंट्रोल करता है। तीसरी उपाय है कि एक एक ग्राम सूखा धनिया, सर्पगंधा 2-2 ग्राम, आंवला और मिश्री चारों मिला लें। एक एक ग्राम सूखा धनिया, सर्पगंधा 2-2 ग्राम, आंवला और मिश्री चारों मिलाकर पानी के साथ खाने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और हम अपने चैनल आयुर्वेद हर्ब में कुछ और नए रोगों के निदान उपचार के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।